100 डेज सर्वाइव करने वाला हूँ सैंड ओनली वर्ड में, जहाँ पे गाइस हमें खाली सैंड मिलेगी, यहाँ पेड़ मिलेगी। हमारा डे वन स्टार्ट हो चुका था और भाई उसके बाद मैंने यहाँ पे ना स्टिक्स करने के लिए ये वाली बुश तोड़ी ताकि यार हमें स्टिक्स मिल सके। लेकिन भाई तोड़ते तोड़ते यहाँ पे बहुत कला करने के बाद हमें मिल गया विलेज। विलेज में जाते भाई, यहाँ पे विलेज मिलने से भाई हमें खाने का फायदा हुआ। मैंने यहाँ पे ये बेल तोड़ी, खाना कलेक्ट होने के बाद भाई यहाँ पे हो चुकी थी रात। रात होती भाई मेरे को यहाँ बेड मिला, मैंने बेड तोड़ डाला भाई क्योंकि मेरे को चाहिए थे रिसोर्सेज। फिर रात होती भाई यहाँ पे मैंने क्राफ्टिंग टेबल ढूंढी और वहाँ पे बना ली ब्रेड्स। भाई मैं सो भी चुका था और सुबह होती भाई मैंने अपने दोस्त को भी यहाँ पे ब्रेड्स दे दी। तो ब्रेड देने के बाद यहाँ पे थोड़ा घूमने के बाद मैंने सामान कलेक्ट किया। उसके बाद भाई मैंने देखा कि भाई मेरे विलेज के आसपास ही मतलब सामने एकदम पिरामिड, तो मैं निकल लिया भाई पिरामिड की तरफ को मिली। तो उसके बाद मैं यहाँ पे निकल लिया और भाई यहाँ पे आती भाई मेरे साथ सीन हो गया। डे टू स्टार्ट होने के बाद यहाँ पे भाई मेरे दोस्त ने धोखा दे दिया, गद्दारी कर दी और भाई छोड़ दिया तो छोक लच कर लिया। लेकिन भाई नीचे आते मेरे को मिले चेस्ट में सामान, बस सामान मेरे को बहुत खतरनाक खतरनाक मिला था यहाँ से। तो मेरे को आयरन मिल चुका था तो मैंने यहाँ पे बना ली भाई अपने आयरन की पिकैक्स और भाई यहाँ पे मैं हो गया एकदम रेडी। तो यहाँ पे पिकैक्स बनाने के बाद भाई मैं यहाँ पे अब स्टोन्स के कुछ भी चीज तोड़ सकता था। मैं विलेज की तरफ को निकल लिया स्टोन को तोड़ने और भाई यहाँ पे अब मैं सबके लिए टूल बना सकता हूँ अपने दोस्त क्या करनी है। तो यहाँ पे स्टोन्स तोड़ लिए मैंने थोड़े बहुत, यहाँ पे मैंने टूल बना लिया अपने दोस्त के लिए और मेरे लिए। भाई हमारा जो डे 3 था वो स्टार्ट हो चुका था, ठीक है। और भाई हमारा जो है ना अभी बहुत ज्यादा खतरनाक समय चल रहा था क्योंकि हमारे पास आर्मर की कमी थी। तो मैं आ गया यहाँ पे केव के अंदर, तो मेरे को मिल गए थे आयरन। तो यहाँ पे आयरन बहुत सारे कलेक्ट कर लिए मैंने। उसके बाद मैं यहाँ से जैसे नीचे निकला भाई मेरे को मिल गया स्केलेटन और मेरे को मिला एक खतरनाक सा घर जो कि भाई केव के अंदर बना हुआ था। तो यहाँ पे नीचे आने के बाद भाई मेरे को मिला यहाँ पे थोड़ा सा आयरन जो कि मैंने स्मेल पे लगाया। इसमें यहाँ पे कोल कलेक्ट किया और थोड़ा सा आयरन स्मेल करके यहाँ पे मैंने शील्ड बना ली और थोड़े से प्रिपेयर हो गए हम। तो यहाँ पे सॉर्ड वगैरह सब कुछ बनाने के बाद भाई मैं निकल लिया सीधा स्केलेटन को मारने और भाई उसको बताने कि आखिरकार कौन ढोन आया है। और मैंने यहाँ पे फाइनल स्केलेटन को मार के यहाँ पे माइनशाफ्ट को ढूंढा और भाई क्योंकि माइनशाफ्ट से हमें बहुत सारी प्लैंक्स मिल सकती है। तो यहाँ पे मैं नीचे आया, वैसे ही भाई यहाँ पे मेरा सीन हो गया, यहाँ पे भाई स्केलेटन ने कर दिया हमला। उसके बाद मेरे को यहाँ पे चेस्ट में लूट वगैरह भी मिली। भाई सब कुछ करने के बाद मैं यहाँ पे आयरन का आर्मर बनाने के लिए एकदम रेडी था और भाई मैंने यहाँ पे फाइनली अपना आर्मर वगैरह सब कुछ रेडी करके पेशन करने चले गए। लेकिन भाई जैसे मैं यहाँ पे घूम रहा था मेरे को मिल गए डायमंड्स। डायमंड मिलने के बाद भाई मैं यहाँ पे खुश हो चुका था और मैं नेदर पोर्टल बना लिया। और नेदर पोर्टल बनाने के बाद सीधा हम लोग रेडी है जाने के लिए और भाई ढूंढने के लिए फोर्टेस, क्योंकि भाई आज जो चैलेंज है हमारा यहाँ पे नेदर के अंदर आती। किस्मत इतनी बढ़िया भाई, साइड में हमारे फोर्ट्रेस था, देखो भाई नेदर पोर्टल के बगल में सीधा फोर्ट्रेस, यानी भाई किस्मत तो बहुत अच्छी हो रही थी। फोर्ट्रेस के भाई अंदर हमने एंटर किया, एंटर करने के बाद भाई हमने यहाँ पे जाके भाई ब्लेज को कलेक्ट मतलब ब्लेज स्पॉनर ढूंढा करने के लिए पीछे लग गए। लेकिन भाई यहाँ पे मैंने कुछ सामने दिख चुका था भाई ब्लेज स्पॉनर, तो यहाँ पे मैंने ब्रीजिंग करी थोड़ी बहुत। और भाई ब्रीजिंग करने के बाद मेरे दोस्त को यहाँ पे बहुत डर लग रहा था, मतलब यार इसकी फट रही थी। उसके बाद भाई यहाँ पे थोड़ा सा आगे आने के बाद मैंने जो क्या करा ना ब्लेज को मारना स्टार्ट किया और उन्हें बताया कि आखिरकार कौन दोनों आया है। और भाई अपने दोस्त के लिए एरिया भी थोड़ा सा मैंने बड़ा कर दिया और हाँ भाई लाइक भी कर देना ठीक है जल्दी से। तो यहाँ पे आने के बाद भाई मैंने थोड़ा सा एरिया बनाया और ब्लेज भी स्पॉन हो गई थी। तो भाई हमने यहाँ पे ब्लेज को मारा बहुत, ब्लेज को मारने के बाद मेरे पे 9 पूरी की पूरी ब्लेज रॉड्स कलेक्ट हो चुकी थी। तो मैं सोचा भाई मैं निकलता हूँ सीधा उस बारे में जहाँ पे एंडरमैन मिलते हैं। लेकिन यहाँ पे आने के बाद एंडरमैन को मारा, कुछ भी नहीं मिला भाई, जिंदगी झंड है भाई। तो भाई कुछ नहीं मिलने के बाद यहाँ पे खतरनाक न्यूज आ गई कि भाई हमारे उसी बायोम के बगल में थी एक बेस्टियन। तो वहाँ पे आगे हमने लूटा और गोल्ड वगैरह थोड़ा सा लूटा, मतलब किस्मत एकदम कतई जहर चल रही थी। तो उसके बाद भाई मैंने यहाँ पे आके कुछ एक्सप्लोर किया और थोड़ी बहुत चेस्ट लूटी। यहाँ पे मैं जैसे आया वैसे मैं गिर गया और भाई बच गया। भाई यहाँ पे चेस्ट के अंदर भी बहुत खतरनाक खतरनाक सामान मिल रहा था। भाई हमने प्लानिंग बनाई है कैसे भाई हम लोग अब यहाँ से एंडर ड्रैगन को मारने के लिए निकल सकते हैं। भाई उसके बाद भाई हमने यहाँ पे सामान सारा का सारा कलेक्ट किया और भाई निकल लिए सीधा अपने ओवरवर्ल्ड के अंदर। लेकिन भाई उससे पहले मैंने यहाँ पे जो है ना क्या करा कि एक नेदर पोर्टल बनाया और भाई यहाँ पे मैं सीधा अपने ओवरवर्ल्ड के अंदर आया। ओवरवर्ल्ड आने के बाद भाई मैंने यहाँ पे आई ऑफ एंटर बनाई, आई ऑफ एंटर बना ली। भाई मैंने यहाँ पे काफी ज्यादा मेरे पे बन गई थी ठीक है। तो यहाँ पे आई ऑफ एंटर बनाने के बाद मैं सीधा यहाँ पे मार के मतलब एंटर मैं पर्ल को मार के सीधा निकल लिया एंडर ड्रैगन को ढूंढने, यानी स्ट्रॉन्ग होल्ड को ढूंढने और भाई उसका वे को खत्म करने है। उसके बाद भाई हमारा चैलेंज यहाँ पे खत्म होने को ही था कि भाई मेरे को यहाँ पे लगानी थी भाई एन्चांटमेंट अपने पिकैक्स के अंदर। भाई हमें एफिशिएंसी 5 लगानी थी जो मेरे को पिरामिड से मिली थी। तो भाई यहाँ पे एफिशिएंसी 5 लगाने के बाद मैं सीधा निकल लिया और भाई मेरे को फाइनली मिल चुकी थी यहाँ पे स्ट्रॉन्ग होल्ड। तो यहाँ पे भाई मेरे पास थोड़ा सा कम हो गया था
नहीं। उसके बाद मैं यहाँ से सीधा भाई सीधा नीचे निकला और जाके थोड़ा सा लूटा। लूटने के बाद लाइब्रेरी मिली भाई, लाइब्रेरी के अंदर मेरे को बुक मिली भाई खतरनाक खतरनाक। तो यहाँ पे आने के बाद मैंने थोड़ा सा बुक्स को देखा और भाई यहाँ पे सारी की सारी बुक्स अपने आर्मर पे डाली जो जो काम की थी। लिटरली गाइस बहुत ही खतरनाक लूट मिली भाई मेरे को यहाँ से। तो उसके बाद भाई यहाँ पे जो है मैंने सारी की सारी चेस्ट तबाह कर दी, बहुत ज्यादा खतरनाक तबाही मचा दी भाई यहाँ के अंदर। तो उसके बाद भाई मैंने यहाँ पे जो है ना पूरा का पूरा एरिया क्लियर किया और भाई अपना पूरा का पूरा जो सारी की सारी बुक्स की एन्चारमेंट लगा के अपने आर्मर पे मैं निकल लिया भाई स्ट्रॉन्ग होल्ड की तरफ को। तो यहाँ पे मैं जैसे आया भाई यहाँ पे जो फ्रेम था उसके अंदर एंटर पर लगाई मैंने और भाई यहाँ पे जो है मैं सीधा निकल लिया एंटर ड्राइव को मारने। लेकिन उससे पहले मैंने अपने फालतू का सामान हमेशा की तरह फेंक दिया भाई नाली के अंदर। यस गाइस ये है लावा की नाली, यस दोस्तों। तो उसके बाद भाई मैंने यहाँ पे सारा का सारा सामान फेंका और निकल लिया अंदर की तरफ को। तो यहाँ पे अंदर जाने के बाद भाई मैंने देखा कि भाई यहाँ पे खतरनाक खतरनाक स्टेयर बना रहा हूँ मैं, मतलब यार ज्यादा बना रहा था खतरनाक सी। ऊपर आते भाई यहाँ पे मेरे को दिख गए थे इनके बच्चे, यस गाइस एंडर ट्रैंक के बच्चे और कौवा भी दिख गया था। उसके बाद भाई मैंने यहाँ पे क्रॉसबो से फोड़ना चालू करा और भाई इसने अपना थूक भी गिरना मेरे पे चालू कर दिया था भाई। मैंने निशाने पे कोई शक नहीं करेगा, बहुत खतरनाक मारता हूँ, देखो अब मारूंगा। अरे नीला का अब देखो अब मारूंगा भाई। भाई इसलिए कहता हूँ निशाने पे कभी भी शक नहीं करना चाहिए, कोई एक बंदा कहीं ना कहीं निशान से जरूर मारता है। और हाँ एंड में गाइस फाइट होने वाली एंडर ड्रैगन की एक की वजह से, ठीक है। तो यहाँ पे भाई मैंने यहाँ पे एंडर ड्रैगन को लास्ट तक खत्म करने आया था, तभी इस बंदे ने भाई मेरे को उड़ा के फेंक दिया सीधा पालमपुर गाँव। अरे भैंस की। तो उसके बाद भाई यहाँ पे सेकंड खत्म, तो भाई यहाँ पे एंडर ड्रैगन खत्म होने में एक मिनट ही रह गया था कि भाई इस बंदे ने थूक फेंका और भाई मैंने इसको यहाँ पे खत्म कर दिया भाई। इसके थूक यहाँ पे फेंकने के बाद भाई यहाँ पे थोड़ी सी आग वाग लगाई मैंने ताकि यार रोशनी हो जाए और भाई एंडर ड्रैगन को मारा, फिर भाई उनके पापा को भी मार दिया मतलब गाइस कौवे को मार दिया। तो भाई इसने मेरे को दोबारा से फेंक दिया तो मैंने एंडर ड्रैगन पर्ल को मार के यहाँ पे अपने भाई से मतलब इसे मारने के लिए निकल गया भाई, क्या सोच रहा था नहीं मार पाऊंगा। तो भाई फाइनली एंडर ड्रैगन का दी एंड, वो हमारे 100 डेज कंप्लीट हुए विद आयरन आर्मर, यस दोस्तों। और भाई नेक्स्ट वीडियो बहुत खतरनाक आने लगे। तो उसके बाद भाई मैंने यहाँ पे ना एंडर ड्रैगन का एक कलेक्ट किया और भाई एंडर ड्रैगन का एक कलेक्ट करने के बाद हुई हमारी फाइट, यस दोस्तों। लेकिन एक कलेक्ट किया भाई आपके भाई ने, यस दोस्तों मैंने यार। तो यहाँ पे इसे कलेक्ट करने के बाद भाई ऑब्वियसली हमारी पीवीपी हुई, पीवीपी होने के बाद दी एंड हुआ, मेरे दोस्त का नहीं मेरा नहीं भाई दोस्त खयाज भाई, इसलिए मेरे को बहुत कम हार्ट पे छोड़ा लेकिन फिर भी मैंने इसे खत्म करके भाई अपना ये 100 डेज कंप्लीट किया। तो यार अगर आपको आज की बार वीडियो को लाइक करना और भाई अगर आपको 100 डेज की वीडियो और भी चाहिए तो कमेंट के अंदर जल्दी से बता दो के लिए। तो यार मैं मिलूंगा आपको उसकी नेक्स्ट वीडियो में, तक के लिए बाय।